यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को एकदम से बड़ा झटका दिया। नोटबंदी की बड़ी घोषणा की गई। नोटबंदी की घोषणा के बाद पूरा ही देश दो धड़ों में बटा नजर आया। एक वो धड़ा रहा जिनको लगा कि नोटबंदी देश हित में की गई है, देश हित में देश कतारों में खड़ा होने को तैयार है। वही दूसरा पक्ष वो रहा जो कहता रहा कि पूरा देश कतारों में लाकर खड़ा कर दिया, आम जनता को परेशान कर दिया गया, देश हित की आड़ में पीएम ने राजनीतिक फैसला लिया। लेकिन आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसने पूरे देश को फिलहाल हैरान कर दिया है। तो नोटबंदी पास या फेल, ये सवाल इसलिए उठा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जो पैसा था बाजार में, जो रन कर रहा था, उसका 99.30% वापस आ गया है। नोटबंदी के दौरान बंद हुए लगभग सभी पुराने नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने बुधवार को अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया कि कुल 99.30% 501,000 रुपए के पुराने नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में इन नोटों का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि सर्कुलेशन में जो पैसा था उसका ज्यादातर हिस्सा वापस आ गया है, लेकिन पीएम की ओर से कहा गया था कि जो काला धन है वो सिस्टम से बाहर खो जाएगा। इसके बाद इनमें से जितने नोट वापस आए हैं उनकी कुल वैल्यू जो है वो सवाल खड़ी करती है, जो पूरी कीमत जो है वो सवाल खड़ी करती है। हालांकि नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार उस वक्त भी मोदी सरकार को घेरता रहा। पीएम मोदी की ओर से नोटबंदी को काले धन पर बड़ा हमला बताया गया। जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी की जाती है उस पर करारा प्रहार बताया गया, आतंक पर बड़ा हमला कहा गया, फर्जी को जो करेंसी रखी उस पर बड़ा वार बताया गया। और विपक्षियों को भी मोदी सरकार और पीएम मोदी ने यह कहा कि अब उनकी नींद उड़ गई है। विपक्ष आम जनता की परेशानियों की उस वक्त भी दुहाई देता रहा। मोदी सरकार ने काले धन पर वार करने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी जो कि पीएम को लगता रहा, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर उस वक्त भी हमलावर था। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कहते हैं ट्वीट करके कि पीएम माफी मांगे, पीएम उस झूठ के लिए माफी मांगे जो कि 8 नवंबर 2016 को पीएम की ओर से बोला गया था। अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं कि श्वेत पत्र जारी किया जाए नोटबंदी के फैसले को लेकर। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसने सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि काला धन कहां गया, जितना भी पैसा था करीब करीब सारा वापस आ चुका है। उसके बाद इस देश में इतने वर्षों तक ब्लैक मनी के रूप में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती रही और प्रधानमंत्री से लेकर देश के हर काउंसलर तक इस विषय को लेकर वो अवगत थे कि एक पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी के रूप में चलता है। जिन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए ना केवल संकल्प लिया मगर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जहां कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसआईटी का गठन नहीं किया, वहीं मोदी सरकार ने 2.5 दिनों के अंदर एसआईटी का गठन किया। आज जो ये बताया जा रहा है कि सारा पैसा तो वापस आ गया, फिर फायदा क्या हुआ? बंधुओं, सरकार ने बिल्कुल डे वन से ही एक बात स्पष्ट रूप से कहा था। सरकार ने कहा था कि अगर सारा पैसा वापस आता है, जो कि हमारा उद्देश्य है, ब्लैक मनी शुड इनफैक्ट कम बैक टू द सिस्टम सो दैट इट फाइंड्स एन एड्रेस। जिस पैसे के साथ एड्रेस का टैग जुड़ जाता है वो ब्लैक मनी नहीं रहता है। जब ये बैंक में पैसा आता है और सिस्टम में सर्कुलेट होने लगता है तो बाध्यतम इस पैसे के साथ एक एड्रेस टैग जुड़ जाता है। एंड व्हेन द एड्रेस टैग इज अटैच्ड टू द मनी, द पीपल हु आर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स प्रीवियसली, दे आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू पे फॉर व्हाट दे हैव अर्न्ड।
तो विपक्ष तो अब भी कहता है कि गलत फैसला लिया गया मोदी सरकार की ओर से, हालांकि उस वक्त जानकारी भी किसी को नहीं थी, ये भी कहा गया था कि पूरी गोपनीयता के साथ इस फैसले को लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट गया है, जीडीपी पर जो है इसका नेगेटिव इंपैक्ट गया है, साथ ही अगर करीब करीब सारा ही पैसा वापस आ गया है तो कालेधन की जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे कि सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, उस वादे का क्या हुआ, जिसको लेकर विपक्ष ये कहता है कि पीएम ने झूठ बोला था। सुरजेवाला कहते हैं कि पीएम ने झूठ बोला था, पीएम इसके लिए माफी मांगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 21 महीने गुजर जाने के बाद नोटबंदी पास है या फिर फेल, इस आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद। तो एक बड़ा पैनल हमारे साथ है जिसके साथ चर्चा हम करेंगे, बीजेपी की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर आनंद सनवारिया जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में इस चर्चा में, और कांग्रेस की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बालमुकुंद शर्मा जी, साथ ही इनेलो की ओर से हमारे साथ जोगीराम जी हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी हमारे साथ हैं, और वित्त जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जीएस सरीन जी हैं, सभी का स्वागत है इस चर्चा। बड़ा झटका, तो यह झटका एनडीए सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही दे सकती थी, जिस तरह जिस हालात में से कंट्री गुजर रहा था कि वहां पे फेक नोट्स, द टेररिज्म एंड ब्लैक मनी, उन सब चीजों को खत्म करने के एक ही तरीका था, वो नोटबंदी करने का। इससे पहले भी सरकार थी, बहुत बार सोचा गया, और मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार इंदिरा जी से किसी ने कहा था, उनके मंत्री ने, कि ये नोटबंदी करना चाहिए, उसने कहा भाई इलेक्शन नहीं लड़ना, क्या इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसा कठोर निर्णय अगर कोई ले सकता था तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। अब बात आ रही है कि सारा ब्लैक मनी जिसकी बात आप कर रहे थे या हम कह रहे थे, अभी आपने संबित पात्रा को सुना, अब ऑलमोस्ट सारा पैसा वही 99.3% मनी जो सर्कुलेशन में से हम बाहर निकालने की प्लान कर। देखिए कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं तो ये चाहता था आज ये टॉपिक इस तरह से होता कि इसके फायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए, बट चलो टॉपिक उस पे आ गया है, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये निर्णय बिल्कुल ठीक तरह का निर्णय था, इसने कंट्री को वो दिशा दी है, उसके फायदे मैं आपको गिना सकता हूं। आपने कहा कि पैसा पूरा का पूरा वापिस आ गया, लेकिन वो जो पैसा आया है उसके साथ में आज 5.75 करोड़ इनकम टैक्स देने वाले बन गए हैं, और एक कहा कि आपने दो फाड़ बन गई थी, तो दो तरह के लोग कंट्री में आ गए थे, लेकिन जिसकी पूंछ पे पैर रखा गया था वो जरूर तिलमिलाया था। देखिए आज 150% हमारी सर्चिज बढ़ गई है इनकम टैक्स की आफ्टर दिस नोटबंदी के बाद में, करीबन सीजियर जो है जो पकड़े गए हैं पैसे 106% तक पकड़े गए हैं, 38% जो है फर्जी करेंसी का जिक्र किया, उस पर क्या किया गया, अगर फर्जी की करेंसी 106% से पैसा पकड़े जाता है, नहीं पहले पकड़ने नहीं देते थे। देखिए आप पैदा की 106% पकड़ लिए, ये बड़ा सवाल है, अगर करेंसी फर्जी थी तो बैंक में कैसे आ गई, दूसरे काले धन को लेकर क्या किया गया सर? नहीं मैं कह तो रहा हूँ ना, जितना बाजार में पैसा रन कर रहा था करीब करीब सारा ही वापस आ गया, काला धन काला धन, भाई साहब सुन लीजिए, काला धन पैदा करने वाले को मैं नहीं कहूंगा क्या, अब सुन लीजिए, जैसे मोदी जी आपने कहा कि काला धन वापिस आ गया, काला धन क्या होता है कि काला धन वो होता है जिसके ऊपर टैक्स ना दिया हो, जिसका एड्रेस ना हो, और वो बक्सों में या कहीं पे छुपा के रखा गया हो। अब जो ये पैसा जितना भी था जिसको हम काला धन मान के चल रहे थे, या इतने सारे नोट से ये पता था कि इतने 15 लाख करोड़ नोट्स हमारे पास सर्कुलेशन में होने चाहिए थे, इतने छापे थे, तो वो जो वापिस आ गए तो उसके ऊपर वो वाइट बन गया, उसके ऊपर टैक्स लगा है, जिनके पास काला धन था जो कि सरकार को लगता रहा वो सारा बैंक में जमा करवाने में कामयाब रखे, उसके बाद भी आपको लगता है, आपकी सरकार को लगता है कि नोटबंदी कामयाब रखी, सर ये बात हैरान कर दी है। बालमुकुंद शर्मा जी, कभी 50 दिन का वक्त मांगा गया, कभी 3 महीने का वक्त मांगा गया, कभी कहा गया 6 महीने में हालात जो है सामान्य हो जाएंगे, आज नोटबंदी के 21 महीने बाद हम उस वक्त चर्चा कर रखे है जब आरबीआई ने ये रिपोर्ट दी है कि करीब करीब सारा ही पैसा वापस आ गया है। सबसे पहले तो मैं हमारे जो बयान बहादुर प्रधानमंत्री हैं उनके शब्दों का जिक्र करना चाहूँगा कि जो उन्होंने ये कहा था कि 50 दिन में अगर पूरा व्यवस्था सफल नहीं हुई हमारी नोटबंदी की तो मुझे किसी चौराहे पर टांग देना, चौराहे पर तो जब टांगे जब वो किसी को मिले।
ज्यादातर समय विदेशों में रहते हैं। ये तो एक विषय है उस बयान पर जो देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देता है और उसके बाद आज तक माफी भी नहीं मांगी। अब आप जो आज आपने बात की उसको मैं तफ्तीश बात थोड़ा ये मैं बताना चाहूंगा। 1991 में हिंदुस्तान ने एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था में खुली अर्थव्यवस्था का रास्ता खोला। आदरणीय मनमोहन सिंह जी उसमें देश के वित्त मंत्री थे और माननीय पीवी नरसिंह महाराज जी देश के प्रधानमंत्री। अर्थव्यवस्था का नया जो आयाम खोला वहां से शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद खुद जो वित्त अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री थे उस समय के मनमोहन सिंह जी, 10 साल फिर वो देश के प्रधानमंत्री थे। जीडीपी या जो भी ग्रोथ की रेट है वो सबके सामने है इनके खुद के। हम अगर मनमोहन सिंह जी ने उस समय कह दिया था कि इसके हालात खराब रहेंगे, जीडीपी 2% गिरेगी, वो जो उन्होंने कहा था वो एक तरह भविष्यवक्ता के तौर पर उनकी भविष्यवाणी साबित हुई। मैं उस बात पर ना जाती हूँ, अगर हो सकता है कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के जो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी की बात को ये कटाक्ष करते हुए राजनीतिक तौर पर हमने टिप्पणी की है। इनके समय में शासनकाल में 3 इनके वित्त मंत्री रहे हैं, यशवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह जी और अरुण शौरी जी। और ये तीनों ही लोगों की देश के जो विद्वान लोग हैं, जो 100-150-200 ऐसे विद्वान और काफी लोगों में गिनती की जाती है, उनमें इन तीनों लोगों की गिनती की जाती है। तीनों ने नोटबंदी का बिल्कुल शरे से खारिज किया और ये आरोप भी लगाया कि ये जो जेटली जो इनके वित्त मंत्री हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर रखा है। ये आरोप लगाने के बाद इन्होंने बीजेपी से अंदर से आवाज उठाई कि नोटबंदी जब प्रधानमंत्री ने घोषित की, एक मिनट सुनिए, कि वो की तो अरुण जेटली को पता ही नहीं था, ये भ्रमित करने के लिए। और एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मतलब मैं उस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ और उसका स्वागत भी करता हूँ आज भी, कई शब्दों का गलत चयन नहीं लगा जाए। जब हमने सीमा पार जाकर के कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसकी घोषणा देश के सामने आके किसने की? देश के रक्षा जो भी जिस डेजिनेशन में बैठे थे, जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी थे, उन्होंने आके घोषणा करी। क्या मैं ये नहीं समझता कि अगर नोटबंदी की घोषणा करती थी आरबीआई का जो संबंधित अधिकारी है या आरबीआई का जो मैंने जो भी जिन्हें मेरे पास में ये बिल्कुल मैं कानून कायदे की बात करता हूँ, अगर देश का कोई नागरिक ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते, ये नोटबंदी गैर कानूनी कायदे कानून की बात मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जो डिसीजन मेरी गवर्नमेंट करती है तो हम आपसे पूछ के नहीं करेंगे। गवर्नमेंट वो मेरी भी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो मेरी भी गवर्नमेंट है। आज आप कमाल करते हो, आपका प्रधानमंत्री हमारा कोई आदमी नहीं, वो मेरी गवर्नमेंट नहीं है क्या? आज आपको आप लोगों को माफी चाहिए, मेरी गवर्नमेंट नहीं, आप मुझे ये बताइए मेरी गवर्नमेंट, आप मेरी गवर्नमेंट नहीं होएगा। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े मैं कहता हूँ, जूम दिखाइए, ये आप लोगों की 99.3% वही लोग चीख रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जो ये डिबेट है ना, आपके लड़ने के लिए नहीं है, औरों को भी टाइम चाहिए। आप ये लड़ने आप भी रुकेंगे, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, मैं ये सुनिश्चित खुद करूंगी सबको समय मिले। जोगीराम जी, आपको क्या लगता है जब करीब करीब सारा ही पैसा जो है वापस आ गया, उसके बाद भी नोटबंदी बिल्कुल ही फेल हुई है? पब्लिक इसके बिल्कुल पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। इसमें अगर वेरीफाई किया जाए तो पता चलेगा कितने नकली करेंसी इसमें शामिल हुई है। अगर नकली करेंसी शामिल ना होती तो पॉसिबल नहीं था कि पूरी हो जाए। कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये मतलब पैसे आ सकते हैं, कोई गल भी जाते हैं। नदियों में फेंके गए नोट मिले हैं, लोगों से दबाए हुए नोट बाद में मिले हैं, तो पैसे पूरे कैसे हो गए? ये बीजेपी सरकार ने अपने काले नोट सफेद करके और प्रोपेगेंडा फैला के ये बिल्कुल ही फेलोर है, बहुत बड़ी फेलोर है ये सरकार की। और बार बार किसी का झूठ बोलना, महापात्रा जी जो कह देते हैं ना, पहले ये कह रहे थे कि भाई 4 लाख करोड़ रुपया हमें मिलेगा इससे, क्योंकि जो नहीं आएगा, आज वो कह रहे हैं क्योंकि सारा व्हाइट हो गया, इस पर टैग लग गया। तो ये जबान बदलने में देर नहीं लगाते इनके जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उनको ये देखना चाहिए भी पैसा किसकर, लोगों को कितना नुकसान हुआ, उन गरीबों को कितना नुकसान हुआ जो लाइन में खड़े रहे, उनको काम नहीं मिला। और फिर धनधन योजना इन्होंने बनाई जिसमें आज तक लोगों के पैसे जमा निकल नहीं रहे हैं, गृहणियों ने जो पैसे जमा कराए थे वो नहीं निकल रहे उनके।
तो इससे बड़ी तो कोई वह नहीं तानाशाही जो हम कहें। और ये इनका टाइम आ गया है और ये जाने वाली सरकार है। मैंने आज बैंक में बात हुई, बैंक वाले कह रहे थे अगर 10 में से 8 आदमियों को पूछे ना, वो कहते हैं बीजेपी से ज्यादा करप्ट कोई सरकार नहीं है जिसने सारे नकली नोट उसमें शामिल किए। सखा श्याम जी, जब नोटबंदी की गई सर, उस वक्त बातें की गई कि बड़ा फायदा दिखेगा, फायदा दिखता नजर नहीं आया पहली नजर में, कैशलेस पे आ गई सरकार। अब ये कहा गया कि काला धन सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन सारा पैसा जब बैंक में आ गया है, उसके बाद कहते हैं कि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई है, ये जवाब क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, काला धन कहीं नहीं गया और कहाँ कहाँ गया और कैसे एडजस्ट हुआ। बैंक्स ने चेंज किए, यानी मजदूर खड़े करके लोगों ने चेंज कराया और बैंक वाले मिले हुए थे, वो काला धन बना के नहीं बना। जिस जमा यानी बदले किसने नोट? मजदूर ने। किसके बदले? सेठों के, जिनका काला धन था। दूसरे किसने बदले? पेट्रोल पंप वालों ने करोड़ों रुपए बदले। पेट्रोल पंप बेचा हुआ दिखा दिया, उसका कौन सा काला धन खत्म हुआ? उससे लोगों ने पैसे दिए, एक एक साल के एडवांस दे दिए ट्रांसपोर्टर्स ने के ट्रक वालों को ले, बिजली में दिया गया, रेलवे में दिया गया एडवांस टैक्स। मुझे पता है कि लोगों ने 3-3 गुना 4-4 गुना भरा, जिसको कहते थे आया, और वो किस लिए भरा? कि नोट फिर जो मिलेंगे वो नए नोट मिलेंगे। काला धन तो सारा का सारा यूं का यूं रहा, कहीं काला धन नहीं आया, एक नया पैसा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री देखिए आप। 1873 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था, जिसका 1935 में RBI बना और 1947 में वो गवर्नमेंट का हो गया। 1873 से आज तक यानी 8 दिसंबर 2016 तक हर शुक्रवार को एक बुलेटिन जारी करता था RBI, जिसमें यह होता था कि इतने नोट जनता के पास हैं, इतने नोट जो है बैंकों में हैं और इतने RBI के पास है। 8 दिसंबर 2016 को वो बंद कर दिए गए इस डर से कि भाई लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि तब तक 87% नोट आ चुके थे। चौथी बात, RBI का गवर्नर PAC संसदीय कमेटी के सामने 1 साल 2 महीने के बाद कहता है कि नोट नहीं गिनेंगे, जबकि बैंक से जो नोट जाते हैं गिने हुए जाते हैं, उनको ऐसे नहीं गिनना होता कि एक एक नोट है, वहां से लिखा हुआ जाता है कि इतने नोट है, ऐसे ही आते हैं, ऐसे नहीं होता। उसने 1 साल 2 महीने के बाद ये कहा, आज 1 साल 9 महीने के बाद उन्होंने ये कहा कि नोट गिनने कोई बढ़िया की दुकान में गिनने, थोड़ा तो मशीनों से कितने ही गिन दो। ये सारा का सारा अब जिस दिन ये किया गया 8 दिसंबर के, उस दिन अगर आपको ध्यान हो खबर आई थी कि जो मंत्री बुलाए गए थे 6 बजे ये उसके लिए, उनके मोबाइल तक बाहर रखवा लिए गए थे, यानी दिस वाज वन मैन। और RBI गवर्नर ने संसदीय कमेटी के सामने कहा कि हमारा डिसीजन नहीं, गवर्नमेंट का डिसीजन था, जबकि RBI के उसके बिना सलाह मंदे। अब जैसे कल मीटिंग हुई, उसमें क्या है, लेक्चर दे देते हैं मोदी जी, चाहे CM हो चाहे कुछ हो, कि भाई ये है, किसी की सुनते थोड़ा ही है, वहां भी नहीं सुनेगी। सारा का सारा, ना तो पत्थरबाजी खत्म हुई, ना आतंक खत्म हुआ, ना काला धन गया, क्या गया आप बताइए? धंधे चौपट हो गए। आप मोदी जी ने सिर्फ एक कार्यक्रम किया था, बाकी सारे के सारे पुरानी सरकार होंगे, GST, आधार, मनरेगा, निर्मल भारत, जिसका नाम स्वच्छ भारत दे दिया, सिर्फ एक ही नोटबंदी किया था, अपनी समझ से सूझ से जो से किसी को कॉन्टेक्ट नहीं किया और उससे भट्ठा बैठना शुरू हुआ। उसके बाद GST जिस तरीके से रोज बदलाव आ रहे हैं, सारे दुकानदार बड़े दुखी है, ना तो सॉफ्टवेयर उनका ठीक रहता, रोज बुलाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए उन्हें, इतना खर्च बढ़ गया कि लोगों की दीवार। और जो एक सेकंड, जो GST का पैसा जमा है वो वापस नहीं मिला आज इतने दिनों तक, वो कैसे बिजनेसमैन काम चलाएगा? एक बार सरीन साहब को चर्चा में जोड़ लें। सरीन साहब, बाजार पर कितना असर पड़ा नोटबंदी का? अभी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस पे कोई भी व्हाइट पेपर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, कोई आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने, मतलब देर इज नो डिटेल्स, कोई भी तस्वीरदार कोई भी ऐसी चीज नहीं की कि भी हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतनी ब्लैक मनी वापस आई, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। अब मैं अगर RBI की रिपोर्ट का देखता हूँ तो RBI में वो कहता है कि सारा पैसा वापस आ गया, तो जो पैसा इन्होंने नोट जारी किए थे वो वापस आने ही थे, जो नोट जारी किए थे, अब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इनकी रिपोर्ट है RBI की, वो ये कहती है कि 60% जो है ब्लैक मनी निकल गई है। RBI की रिपोर्ट ही कह रही है कि 59.7% निकल गई है। वो ठीक है, हो सकता है निकल गई हो, बट ये भी सत्य है कि जो फेक नोट है वो जमा भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही दूसरे नोट जो असली नोट थे वही जमा हुए। तो इनका जो एक्चुअली क्या है कि इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली आज तक नहीं दिया। वो जो इनकी पैनल बनाया था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल था, उसकी भी रिपोर्ट प्रॉपरली जारी नहीं हो पाई। उसमें क्या है, 31 मेंबर है, 17 BJP के हैं, तो इसीलिए उस पर वोटिंग भी नहीं हुई। बिल्कुल,
तो ये कहीं कारण है, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन सरकार की प्रॉपर नहीं है इस पे डिमोनेटाइजेशन के। फायदे इसके तो भगवान जानता क्या हुए हैं, बट अदरवाइज ठीक है भाई, कुछ फायदे। आप एक्सपर्ट के नाते क्या जानते हैं, क्या फायदे को बिजनेस पर? देखो ऐसा है, एक्सपर्ट के नाते मैं ये बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन जितनी भी कंट्रियों ने किया उसमें जो डेवलप्ड कंट्रियां थी, जैसे यूएसए है और जैसे यूएसए है और एक और कंट्री है, उन्हीं में सफल हुआ है। हाँ। जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में सफल हुआ है, बाकी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में डीमोनेटाइजेशन सफल ही नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ जी। तो हमारी डेवलपिंग कंट्री है। सनवारे साहब बताइए, विपक्ष भी ये कहता है सर, पूरी जानकारी दीजिए ना, श्वेत पत्र जारी कीजिए। सबसे पहले तो मैं सरकार जानकारी देती है, डॉक्टर साहब को रिस्पोंड करूंगा कि उन्होंने कहा कि पहले हर एक फ्राइडे को एक विज्ञप्ति आती थी आरबीआई की, और जो बंद हो गई अभी। मैं इनके कमेंट्स देखने के बाद लगा कि ये शायद निष्पक्ष चैनल में तो क्या होंगे, किसी के न किसी के ये स्पोक्समैन बनने चाहिए थे। एक बार के लिए रोको सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी पार्टियों के प्रवक्ता हैं आप लोगों के साथ दिक्कत है। कल बालमुकुंद शर्मा जी को लगा दिया, आज आपको ये लगेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, श्याम जी विपक्ष के साथ हैं सर। ज्योति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्राइडे पे जो विज्ञप्ति आती थी, जो रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब तो ये है कि इन लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कोई विश्वास ही नहीं है। उसने सारी पूरी एक्सरसाइज करके, अगर कोई चीज छुपानी होती तो पूरे के पूरे नोट क्यों? अगर ये सोचते हैं कि एजेंसी इतनी करप्ट है कि वो सारे नकली नोट भी लेकर के उसके पास पूरा मैकेनिज्म है, उसने बड़े ठीक तरह से सुनने की तो उसने पूरा का पूरा जो है एजेंसी ने तो किया सारा, 99.3% जो मनी उसने लिख के दिया है, पूरा का पूरा बता के दिया है। ब्लैक मनी निकली है आरबीआई की रिपोर्ट में ही है। हाँ, तो दर्श तो पूरा का पूरा उन्होंने कोई ठीक तरह से, जब वो जब मुद्दे आएंगे तभी तो जनता के सामने रखे जाएंगे। अब कह रहे हैं ये फेल हो गई, मैं सुन रहा हूं कुछ मेरे साथियों ने जो इस नोटबंदी के बाद, देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी फेल पास का पैमाना क्या है कि इलेक्शन होता है और वो जीतते हैं कि हारते हैं, जनता जिसको कह रहे हैं मेरे साथी इन लोग वाले कि जनता मर गई थी उस वक्त। उसके बाद चुनाव जीतना ही आखिरी मकसद है क्या आप लोगों का? नहीं, मकसद, चुनाव जीत गए तो सारे फैसले अच्छे थे? ये इशू उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको जानकारी है, चुनाव जीतने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ज्योति जी, उसके लिए नोटबंदी 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 को सिर्फ पैसे वापिस आने तक ना लिया जाए, इसके ऊपर एक बहुत संजीदा डिबेट होनी चाहिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। इसके बाद इसके आज डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, कितने तरह का हमारा जो पेपर करेंसी बढ़ गई है जो आज तक कभी नहीं थी, जो जितनी सारी डिजिटलाइजेशन एक अच्छा असर हो सकता है, कितनी बेनामी प्रॉपर्टी जो है वापस आई है, सर्कुलेशन में वो बढ़ा ही है। नहीं नहीं, देखिए कम होना चाहिए वो बढ़ा है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव होने थे, उससे पहले ये फैसला लिया गया था। अब सनवारे साहब कहते हैं कि देखिए जितने चुनाव हुए उसमें पॉजिटिव असर ही नजर आया है, इसके मतलब जनता ने तो रिपोर्ट कार्ड दे दिया कि फैसला अच्छा था। मैं तब से अपना मार्क किया हुआ था कि मुझे टाइम दिया जाए, क्योंकि जब पहली दफा मेरी बात चली थी 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो विशेष बताइए। ये जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 4 साल से जो शासन में है जी, ये हर फैसला, ये फैसला इसका भी विवरण करूंगा, हर फैसला चुनाव को मद्देनजर रखते हुए है। मुख्यतः यूपी में जो उस समय चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने नोटबंदी का फैसला किया, ये सब लोगों के सामने विदित है। चुनाव जीतने की जहां तक बात है, 16-17 विपक्षी दल मिलकर उन्होंने अपने एफिडेविट भी दिए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जहां जहां ईवीएम में चुनाव थे वहां वहां ये चुनाव जीत रहे हैं, जहां ईवीएम होते हैं वहां चुनाव लूज भी करते हैं, हर बाय इलेक्शन लूज करते हैं। दूसरा मैं कहता हूं, इनके दो मुख्य मैं बताता हूं, इनके जो ये जो संबित पात्रा प्रवक्ता को आपने अभी दिखाया, हिंदुस्तान की जनता 101% जो जनता है, 100 का एक हिस्सा और उसका भी 100वां हिस्सा इंग्लिश नहीं बोलती। आज वो डिमोरलाइजेशन के जो विवरण है वो इंग्लिश में दे रहे हैं ना, मैं समित पात्रा बात कर रहा हूं, आप छोड़ो जी, मैं वो हिंदुस्तान क्वार्टर्स, आप बीच में बोल रहे हैं ना जी, नहीं तर्जुमा कर दूंगा, अगर मेरे बीच में कोई बोला तो मैं चुप हो जाऊंगा जी,
मैंने उम्र का भी लिहाज रखना है। परेशानी क्या है आपकी? यूपीए की चेयरपर्सन और जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रखी वो संसद में भी सर इंग्लिश बोलती रखी, क्या पब्लिक ने पब्लिक को एड्रेस करना? मैं ये आगे लेके जाऊंगा ना आपको, मैं आपको लेके जाऊंगा ना जी, मैं आपको लेके जाऊंगा ना। जब जब ये मैं परहेज है, जब ये कहते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपया वापिस नहीं आएगा, वो काला धन, वो सरकार उसको विकास में प्रयोग करेगी, गरीब लोगों की योजनाएं बनाएगी, ये दिया ना उन्होंने तो दिया ना जी, ये सब बताएंगे। आज इन्होंने जो भी बात कही है, मैं खुद मैं डबल एम में हूं, मैं मुझे समझ में नहीं आई, इट इज बी शोर दैट पॉइंट, सी दैट पॉइंट, ये क्या पॉइंट? आप ये बताइए कि सारा का सारा पैसा वापिस आ गया, आप उसका जवाब दीजिए श्रीमान जी। आपका प्रधानमंत्री ये कहता था कि मेरे को 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो चौराहे पर खड़ा कर दिए, वो कौन से चौराहे पाएंगे, वो समय दीजिए, चौराहे का नाम बता दीजिए। बातों को ऐसे सीधे, जैसे हम सीधी बात करें, ऐसी सीधी बात करिए ना आप। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, फैसला देश के प्रधानमंत्री को फैसला करने का अधिकार होता है, चीजों को तय फार्मूले के अनुसार तो काम करें। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आगे बार रोते हैं कि हमारे साथ अन्याय, देश की जनता के सामने आके बैठते हैं, उसको बताते हैं। टॉपिक बोले अमित शाह के, जिस बैंक का अमित शाह डायरेक्टर है, मालिक बैंक का, उसमें 75 करोड़ रुपया एक दिन में फेक करेंसी लगाओ या उसको 2 नंबर का पैसा लाओ आगे जमा देती है, उसकी कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, वो बाद में आरटीआई से खुलासा होता है, इन्होंने तो आंकड़ों में भी नहीं दिया था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, काला धन कोई, मैं तो इस शब्द से मतलब सहमत नहीं हूँ, काला धंधा है, धंधे काले हैं जो, वो रोकने चाहिए थे। आज भी देश में काले धंधे ऐसे चल रहे हैं, इन्होंने कहा था पत्थरबाजी बंद होगी, वो जो एक महीने का समय उसमें गिरावट आई थी, उसमें गिरावट आने के कारण पैसा नहीं चला, बाद में ऐसे वक्त लग जाता है, लेकिन एक फैसला ही ऐसा लिया गया जिसका नकारात्मक ही असर था फिलहाल तक। तो दुर्गामी परिणाम अच्छे होंगे, दुर्गामी परिणाम अच्छे होंगे, वो कब अच्छे होंगे उसका इंतजार की कर रही है उसके ज्योति जी। उसके बाद भी स्विस बैंक की जो रिपोर्ट है, यह काला धन बढ़ा है इन सरकार के टाइम में, ये कह रहे हैं घटा देना देंगे, आपको देंगे। नंबर दो, इसमें बिल्कुल ही वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्या कोई इसमें फर्जी करेंसी है या नहीं है, जबकि ये क्लियर हो जाना चाहिए था फर्जी करेंसी कितने, असली करेंसी कितनी है। अगर बंडल बना के आप डाल दोगे तो किसी का क्या पता चले, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि 99.3% पैसा वापिस आ जाए, जबकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा टीवी रिपोर्ट में, नहरों में पैसा फेंका जा रहा है, बाहर पैसा फेंका जा रहा है, तो नोट आ कहां से गए? जो नकली नोट J&K की बात करते हैं वहां चल रहे थे, वो करेंसी कहां गई वो समझ में नहीं आया, सारी बैंकों में गई, कितने बैंक फ्रॉड पकड़े गए, मैनेजर्स पकड़े गए, भाई रात को चलाते थे, वैन की वैन खत्म कहीं भी है। तो बीजेपी सरकार, उसी टाइम बीजेपी ने अपने पार्टी ऑफिस के लिए जमीनें खरीदी है, तो वो कहां गया पैसा? मैं मोटी सी बात बताता हूं, इन्होंने कहा RBI की, मैंने जो पॉइंट उसका जवाब नहीं दिया कि वो आज तक बंद क्यों है जो 1873 से चालू था। दूसरी बात जो ये बात कही गई कि ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया कि काला धन कहां गया, तो सबसे बड़ी बात यह, लेकिन जो सरदार साहब ने कहा कि उस पे एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया गया, ना तो RBI ने ये कह दिया 60 करोड़ आ गए, कैसे आए, कहां से आए, ये तो बताएं। 60 करोड़ आने से हम कैसे मान लेंगे कोई भी? अब जैसे GDP का इन्होंने वो बदल दिया, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, अब उसको कर दो पैमाने बदल के, तो उससे कोई ऐसे थोड़ा ही होगा। यानी जब तक वो क्लियरली नहीं बताया जाएगा कि भाई ये काला धन आया, तो किसी का दिवाला निकलना चाहिए था, कोई पकड़े जाने चाहिए थे, कोई पकड़े नहीं गए, नहीं चुनाव जीतने को तो ऐसे ऐसे लोग जीत गए हैं कि जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। आप बताइए यूपी में, बिहार में कौन लोग जीतते हैं? वो इसीलिए जीतते हैं कि वो लोकप्रिय हैं, जात पात के गठबंधन से 50 चीजों से जीतते हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान से जीत लिया था, भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी यूपी में। ये कोई तरीका है कि भी जनता को बेवकूफ बना के जनता अगली बार दे देगी जवाब? आप एक ब्रेक यहां पर लेंगे और उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ज्योति जी, जनता को जो लाइन में खड़े होने की बात है, जिसको के बार बार मेरे विपक्षी साथी उठा रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? उन लोगों को जो सिस्टम का एक सिस्टम को रास्ता दिखाने की बात करनी थी, वो बात हुई। इस टॉपिक को इतना एक एक एस्पेक्ट में ना लेके इतने नोट वापिस आ गए,
इसके साथ में जो जो और एक्शन लिए हैं सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए, दूसरी कुरूतियों को खत्म करने के लिए, वो अलग अलग होंगे ना सर। हाँ, वो अलग अलग नोटबंदी तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है, उसका विश्लेषण तो अलग से हो सकता है। नहीं, एग्रीड, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा फैसला है, इसकी चर्चा आपके लिए होगी, उसके लिए बहुत सारे आपके फैसले इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। इसका असर जो है दूरगामी होता है, दूरगामी होगा। ये जो नोट आ गए हैं तो हमारे आरबीआई ने कहा है, हमारे साथी लोग मानते ही नहीं कि आरबीआई जो कह रहा है वो भी सही है। वो कह रहे हैं जिसमें सारे नकली नोट आ गए, बंडल बन के अंदर चले गए। तो हम कहां पे, एक विपक्षी मेरे साथियों को तो संस्थाओं पे विश्वास ही नहीं रहा, जो इनको सूट करता है नहीं सूट करता। अभी ईवीएम की बात, हालांकि वो कहने लगे थे कुछ बात में, जहां ये जीतते हैं ईवीएम ठीक है, जहां हम जीतते हैं वहां ईवीएम गलत। तो ये दूरगामी फैसला बहुत अच्छा कंट्री के लिए लिया गया है। और ये दूरगामी कब तक का है सर? ये कब तक, मतलब कितना? एक कंट्री के लिए स्थिति को सामान्य करने के लिए पीएम की ओर से कहा गया था कि 50 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद आज पैसा नहीं मिल रहा, कंट्रोल हो गई, ठीक है। लेकिन इसके जो रिजल्ट दिखेंगे वो दूरगामी होंगे सर? कितने दूरगामी? कब तक अर्थव्यवस्था पर नुकसान झेला जाए? कब तक जीडीपी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा? अभी मेरे कांग्रेस भाई ने बताया कि वो जो इतनी सारा अव्यवस्था हो गई थी, क्या आज किसी को व्यवस्था में कोई परेशानी है? नोट निकालने में कोई परेशानी है? जो फायदा कंट्री को हुआ है, इनकम टैक्स के सर्वे आप कोई डिबेट कराएंगे तो मैं पूरा का पूरा बताऊंगा कि कितना ज्यादा इनकम टैक्स के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके भी फायदा हुआ है, वो सारा का सारा आता है। अब कभी भी प्लास्टिक नोट के बारे में सोचते नहीं थे हमारी कंट्री में, अब उसके बारे में 86% पर। अब किसी मेरे साथी ने कहा कि आगे बढ़ेंगे, लालमुकुंद शर्मादी सुरजेवाला की ओर से भी कहा गया कि लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ये कहते हैं कि 3 लाख करोड़ का कालाधन जो है सिस्टम से बाहर हो जाएगा नोटबंदी की मदद से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो पीएम माफी मांगे। सुरजेवाला जी की ओर से कहा गया। हमारे जो प्रवक्ता है बड़े बुद्धिजीवी सुरजेवाला प्रवक्ता है, वो आंकड़ों के आधार तथ्य अनुसार बोलते हैं। हमारे जैसे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, दो तरह की बातें होती है। कई बार कह देते हैं हमारे एक लोहारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा रहा नजर आता है। यहाँ तक तो ठीक है, सावन के अंधे को हरा रहा नजर आ सकता है, लेकिन जो आंखों में पट्टी बांध रहे उनको क्या नजर आएगा? देखने वाली बात ये है। दूरगामी की जहां तक बात हुई, पहले हम सुनते थे एक होटल पे एक तख्ती लगी होती है, दादा खाएंगे, पोता बिल भरेंगे। इतना दूरगामी है इनका तो, मतलब ये करेंगे नोटबंदी, फिर इनके पोते जाकर के रिजल्ट महसूस करेंगे, ये क्या दूरगामी? दूरगामी कम से कम पंचवर्षीय योजना का है, 5 साल के लिए जनादेश प्राप्त होता है किसी सरकार को, तो वो जो काम करती है उन 5 साल में कम से कम इस तरह रिजल्ट दे। अब फिर आप एक डिबेट को कहेंगे दूर ले जाओ। कल एक डिबेट में हमारी चर्चा थी कि भाई एक देश, इस देश में इस 5 वर्ष में एक भी एम्स नहीं बना, तो इनके प्रवक्ता कहते हैं एम्स बड़े दूर लंबे टाइम में बनते, हमने तो एक एक साल में एम्स बना के खड़े करे हैं। अभी बाढ़ सामने हमने एम्स बना हरियाणा में, मतलब आप ये देखो उसकी दूरी भी एम्स की कम थी। सोच देखिए, सोच हमारी सोच थी, हम सोच पे देखिए, राजनीति जो है सेवा का विषय है, केवल सोच से कि सोच कैसी है। जैसी हमारी सोच है सर्व सबको साथ लेके चलने की, इनकी सोच है बंटवारे की। जो बंटवारे की बात करते हैं वो इस तरह की सोच नहीं रख सकते। इस पे भी मैं ये कहता हूँ, एक और बात है, जल्दी बात। हाँ बिल्कुल, तैयारी से किया गया युद्ध हम जीत सकते हैं, तैयारी से किया हुआ काम संपूर्ण होता है। ना तो इन्होंने जीएसटी पे तैयारी की, ना इन्होंने नोटबंदी पे तैयारी की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर तैयारी के लड़खड़ाती व्यवस्था भी हो सकता है। जी जी, जोगीराम जी, क्या तैयारी का अभाव मानते हैं आप? देखिए उस टाइम कितनी परेशानी हुई लोगों को, अब ये हमारे साथी प्रवक्ता मान नहीं रहे बीजेपी से, कि लोगों को डॉक्टर्स की फीस देनी मुश्किल हो गई, पेट्रोल पंप पे पैसे देने मुश्किल हो गए, टोल पे जाके बड़ा मुश्किल हो गया। लोगों कितनी दिक्कत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये भाई। उतनी दिक्कतों के बाद भी मिला क्या हमें है? अब क्या है, मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, अच्छा लगेगा। अब इन्होंने सीएम विंडो कर दी, उसमें सड़क में तो विंडो में तो कोई जाना ही पसंद नहीं करता, सीएम सामने भी नहीं आता, विंडो में रहेगा है? इससे गलत और क्या होगा पब्लिक के साथ? ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं ये। अभी इन्होंने बेरोजगार 3,000 रुपए अगर उनको बताई देते, अच्छी बात थी। उनको इंडस्ट्रीज वालों को कह दिया कि अगर आप 50% ज्यादा मारे 3,000 आपको मिलेंगे, और फर्जी बिल बढ़ाएंगे और फर्जी ये देंगे। ये तो रास्ते निकालते हैं भी, कैसे लोग करप्शन में आए, चोर दरवाजे ढूंढते हैं ये, कैसे लोग आए करप्शन में।
और उन बड़े बड़े आदमियों को फायदा हो। जोगीराम जी बड़े विद्वान, इन्होंने जगह रखा विंडो का, हमारे तो दरवाजे खुले रहते थे, इन्होंने खिड़की, सरकार में खिड़की लगा दी, सरकार के तो दरवाजे खुले होने चाहिए, जल के दरवाजे। हम दिल की बात करते हैं, ये मन की बात करते हैं, मन की बात वो लोग करते हैं जो चंचल होते हैं, हम दिल की बात करने वाले। जोगीराम जी तो ठीक कह रहे हैं, जोगीराम जी विद्वान, जोगीराम जी बड़े विद्वान, सुलझे वो भले ही विपक्ष के प्रवक्ता हो लेकिन वो सुलझे हुए प्रवक्ता है। मैं कितने सालों से इनके साथ डिबेट में भी आता हूँ, ये सुलझी हुई बात करते हैं। सखा श्याम जी, रोजगार को लेकर भी सर अभी तक सरकार खिड़कियों से नहीं चलती, दरवाजे खुला रखने वाले रहता हूँ, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता एक डॉक्टर साहब के अलावा, कि जिस वक्त नोटबंदी हुई उस दिन चंडीगढ़ में मजदूरी का रेट 450-500 रुपए था, एक आम मजदूर जो दिहाड़ीदार है, आज 300-350 में मिलता है और उसको ठेकेदार तो 200 से कम देते हैं, ये उसकी डेवलपमेंट हुई पहले। फिर इन्होंने कहा कि संस्थाओं पर विश्वास नहीं करते, अरे भाई संस्था पे आरबीआई ने पहले तो दिया नहीं, सरदार जी ने भी कहा। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए कि इलेक्शन गुजरात के डिक्लेयर होते हैं चुनाव वाले, तो एक का करते हैं, दोनों के इकट्ठे होने हैं बिल्कुल, के एक का, फिर वहां कर्नाटका में होते हैं, पहले बीजेपी के उस पर ट्विटर पे आ जाता है उसके कार्यकर्ता के, फिर किस संस्था का विश्वास करेगी जनता ये बताइए। फिर तीसरी रोजगार की मैंने बता दी जो हुआ, और कितने जो फैक्ट्रियां थी आप ये देखिए कि 8 नवंबर को हुआ था, 8 नवंबर को सिर्फ लुधियाना की बताता हूं कि वहां से गर्म कपड़े चले थे, उधार पर चलते हैं दुकानदार के पास, कोई नहीं बिका, वो नहीं बिका तो उनको पैसे वापस नहीं गए, माल वापस चला गया, वो आगे माल नहीं ले सके, मजदूर वापस चले गए जो गर्मियों का बनाते, वो क्या हुआ पूरा 1.5 साल ब्याज भी देना उन्हें बैंक का, ठीक है, उनकी मशीनें खड़ी होगी, मजदूर भागे। उसके अलावा 20वें दिन नकली नोट आ गए थे, ये कहते भी नकली नोट नहीं छपेंगे, 20वें दिन जी बिल्कुल कश्मीर में भी पकड़े गए थे, हाँ। एक महीना दो महीने जो है वो पत्थरबाजी बंद रही, उसके बाद पत्थरबाजी हुई उससे ज्यादा हुई, आतंकवाद भी उसी तरह हुआ, रोज हमारे सिपाही मर रहे हैं। काला धन मैंने आपको बता दिया कि 5 जगह गया, उस पे बहुत बड़ा असर, 5 जगह, अच्छा। और आज अगर वो जो इसको बात को स्किप कर जाते हैं, अगर बुलेटिन जारी होता तो आज भी पता लग जाता कि जनता के पास कितना काला धन है, बिल्कुल वो आज तक नहीं बताया। वो जो बुलेटिन की बात मैंने बताई 1873 से चालू था, अगर वो बुलेटिन बताते कि आरबीआई के पास इतने नोट हैं, सर बैंकों में इतने नोट हैं और जनता में तो पहले से ज्यादा नोट हैं, ठीक है, कहां से बात करते हैं। जीडीपी को कितना नुकसान उठाना पड़ा नोटबंदी के चलते? तकरीबन 1%। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नोटबंदी जो है ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुई, पहले भी हो चुकी, 1938 से हो रही है, बिल्कुल ये हम चलो आज शोर मचा रहे हैं कि हुई है ये नहीं हुई, ऐतिहासिक की कतई नहीं है कि ऐतिहासिक ये फैसला, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम थी सर। 1938 में हुई, 10,000 का नोट बंद किया, उसके बाद 1946 में कैश हो मार्केट में, और उसके बाद ये फैसला किया 1978 में हुई, तो ये कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि ये पहली दफा हुई। बिल्कुल इस दफा क्या है कि अभी मीडिया बहुत ज्यादा है इसलिए ये चीज बहुत सामने आई, ठीक है ऐतिहासिक फैसला था, कोशिश की गई पर उसके रिजल्ट नहीं आए, रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए, ये इनमें कमी है, दे शुड डिक्लेयर द रिजल्ट कि हमने नोटबंदी की कितना काला धन आया, कितना हमारे को फायदा हुआ, कितना मतलब इकोनॉमी को और साफ गोई से। मैं तो सिर्फ इसी में बहस करना चाहता हूँ कि ये इसकी डिक्लेरेशन दे, अगर ये कहते हैं कि ये सक्सेस है, आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए इस पर, मैं कहता हूँ अगर ये सक्सेस है तो दे शुड कम विद दी फिगर्स। बिल्कुल सरीन साहब, फायदे का सौदा के तो भी बताइए विस्तार से जानकारी दीजिए, सरकार को श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए। मैं सरीन साहब तो एक्सपर्ट है, काला धन किसको कहते हैं आप जिसके ऊपर टैग नहीं है, जो अब क्या वो जो नोट साहब के पास थे बैग से उठा करके लाए थे, नहीं आपके पास मैं कह रहा हूँ, वो जाके जमा करा दिए और अब वो जमा करा दिए तो क्या वो काला धन रहा कि वो बड़े काला धन रहा तो कांग्रेस के वो करोड़ों लाख पैसे जो है काला धन के थे वो आ गए बैंक में तो क्या ब्लैक मनी ब्लैक पार्टी के लिए अगर सो अगर अगर 3,00,000 करोड़ रुपए सिस्टम से बाहर हो जाएंगे जब पीएम की बात करते हैं, जब इतना सिस्टम से बाहर नहीं होता सर तो कैसे कहेंगे फेल नहीं हुई नोटबंदी, ऐसे जो पीएम ने कहा क्या उस बात को गंभीरता से ना लें? नहीं गम हम कब कह रहे हैं 3,00,000 करोड़ रुपए सर काले धन की परिभाषा बताने लगे आप पैनल पर, आप ये बताइए ना पीएम ने जो कहा था उसका क्या हुआ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसको गंभीरता से जरूर ले, मैं तो उसको ओन कर रहा हूँ, कोई भी डिसीजन लेने से ऐसा डिसीजन लेने से
उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि ये प्रज्यूम किया कि 3 लाख नोट बाहर हो जाएंगे, 3 लाख करोड़ नोट बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब जो आरबीआई वो भी सरकार सरकार का ही एक तंत्र है, उसने कहा कि जी सिर्फ 10,000 या 13,000 करोड़ ही बाहर निकले हैं, तो जो पैसा आ गया क्या उसको आप क्या अचीवमेंट मानेंगी कि नहीं मानेंगी? सर जो पीएम ने कहा, देखिए आप लोगों की दिक्कत है या फिर कह लीजिए कि आप लोगों की खूबी एक है, आप लोग पहले कहते हैं 3 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे, ये टारगेट है, ये एम लेकर चलते हैं, इतना बाहर नहीं कर पाते, उसके बाद कहते हैं कि आप लोगों को एड्रेस मिल गया है, वो ब्लैक मनी ही नहीं रखी। सर बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना नहीं, या फिर पहले कुछ और कहते हैं, नहीं हो पाता, उसके बाद परिभाषा ही बदल देते हैं कि काले धन वालों का पता तो लगा, ये उपलब्धि मान लीजिए। कोई भी चीज जब आप इनेक्ट करते हैं तो उसके फायदे नुकसान उसके बाद में टारगेट मैं सिर्फ दो लाइनें बता रहा हूं, सिस्टम से वो हुआ नहीं, नहीं मैं वही बता रहा हूं कि जो सिस्टम में आ गया, अगर वो मैंने जो पॉइंट उठाया कि अगर आरबीआई ये बताती कि जनता में कितना पैसा है, आज उससे ज्यादा पैसा जनता के पास बाहर है जो बैंक में नहीं, और इसी डर से नहीं बता रही सरकार। अगर ये बताती आरबीआई के पास इतने नोट है, बैंक्स के पास इतने नोट है और बाहर कितने नोट है, ये आज का नहीं, मैंने बताया 1873 का ट्रेडिशन था और जो 8 दिसंबर को बंद किया गया, अगर वो बताते तो लोगों को दिक्कत ही नहीं होती कि भाई इस तरीके से। रही बात के जो 10-12 हजार करोड़ रुपए आए हैं, वो उनमें से मैं बताता हूँ, बहुत सारे एनआरआई के पास रह गए, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं जिनको पता ही नहीं लगा, गांव में गार्ड रखे हैं जमीन में, वो नोट रह गए, आज तक निकल रहे हैं लोगों के पास। मेरी सोसाइटी में चलो कम से कम 25,000 के नोट मिल जाएंगे जो औरतों के पास मिले, किसी ने आरती की किताब में रख रखे थे, मेरी वाइफ के पास 2 निकले जो पहले दिए उसके बाद, आप ये बताइए वो नोट 10,000 करोड़ तो उसमें पूरे हो जाएंगे। जो एनआरआई थे मेरे बेटे के पास थे 6,000 रुपए, जो छोटा था बड़े के पास उससे ज्यादा थे, वो उसके लेने आप जाते या तो वहां बताते कि भाई हम वहां करेंगे, नेपाल में कितने हैं उसकी खबर आई थी, ये इतने नोट हैं उनके पास, वो 10,000 करोड़ तो उसमें ही पूरे हो जाते हैं, यानी 100% पैसा आ गया। आरबीआई ये नहीं बताती कि आज जनता के पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, आरबीआई का नोट अगर ये नहीं बताएगी तो कैसे पता लगेगा कि काला धन अब नहीं है। वैसे कह दिया 60% 80% के, तो भी क्या जाता है, उससे कोई बात फर्क पड़ती है? अभी इस बात के जवाब का इंतजार तो है। देखो आरबीआई अगर 60% कह रही है तो किसी तथ्य पे कह रही होगी, नहीं बिना तथ्य है जी, जब तक तथ्य नहीं देते, वही कह रहा हूं, जब तक तथ्य नहीं, नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते सर, पब्लिक के बिना हम कैसे माने वो तथ्य, ये कह रहा हूं कि तथ्य पब्लिश नहीं, तो लेकिन आप ये कैसे कहते हैं कि वो तथ्य पर कहा, जब तक उन्होंने जानकारी दी जाए ना जनता को, गवर्नर ने तो ये भी कहा कि मैंने तो नहीं कहा नोटबंदी का, वो नहीं, सरकार से इस बात का इंतजार है कि सरकार जो है श्वेत पत्र जारी करे, आरबीआई विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं करता, इस बात का सवाल किया गया। कुछ भी कह दो 80% कह दो। देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग राजनीतिक परिभाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, देखो वो बोल सकते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कोई बात कहता है तो उसका तो बड़ा व्यापक असर, व्यापक पैमाने पर पूरे विश्व में उस चीज को सुना जाता है। और दूसरा मैं कहता हूँ 60% या तर्क वाली जो बात की ना जी, प्रशासन और शासन ये दोनों अलग विधि है, प्रशासनिक तौर पर कोई भी चीज आप अगर व्याख्यान में लेके आएंगे तो आपको उसको उन चीजों का सामना भी करना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। बिल्कुल। तो अब मैं ये कहता हूँ ये 60% की जो बात है ये बिल्कुल तथ्य से परे है, ये अभी हमारे सरीन साहब ने भी बताया कि श्वेत पत्र जारी करने चाहिए। मैं ये कहता हूँ अगर ये कहते हैं, मैं भी ये बात मानता हूँ, नोटबंदी का जो फैसला है इस देश में जैसे एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, शरीर का ढांचा खड़ा होता है, वो एक चीज है, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है, रुपए के अवमूल्यन पर, मूल्यन पर, तो इससे तो बहुत दूरगामी परिणाम तभी हो सकते हैं जब ये सभी चीज तथ्यों पर बताएंगे। आज मुझे ही नहीं पता कि मेरे रुपए की वैल्यू क्या चल रही है, मेरा रुपया कितना किसके पास है, किस व्यवस्था में रुपया आया हुआ है, एक पढ़े लिखे नागरिक को नहीं पता, तो जो ग्रामीण अंचल में सुदूर दूर प्रदेशों में रहने वाले लोग उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जैसे कि एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने धार्मिक किताबों में लोग पैसे रख लेते हैं, विदेशों में कुछ लोग हैं वहां व्यवस्था नहीं थी तो पैसे रह गए, नेपाल जैसी हमारी पड़ोसी कंट्री वहां हमारे देश का पैसा ही चलता है, वो पैसा वहां इस तरह का, इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूं अगर नोटबंदी को परिपूर्ण व्यवस्था, इससे तो अच्छा होता, एक चीज मैं बोलता, इससे तो अच्छा होता ये 10-15 दिन पहले घोषणा ही कर देते कि हम नोटबंदी लागू करने वाले हैं, तो अच्छे रिजल्ट आते। एक बात,
एक और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी या प्रवक्ता के तौर पर भी, इन्होंने जो 50 दिन का समय दिया ये इससे था जनता और तकलीफें ले लेती, ये वो 10-15 दिन का समय देते थे। जो कालाबाजारी हुई जैसे पेट्रोल पंपों पर 50 दिन तक लगातार दे दिया, वो इस तरह से वो व्यवस्था जो है इन्होंने वो गोल गोल घुमाई है, वो सारा की नष्ट हो जाएगा। लेकिन करीब करीब सारा की पैसा अगर आ गया तो कालाधन था भी या नहीं, और अगर था तो वापस कैसे आ गया? देखो ज्योति जी, ये पहली बार हुआ है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ये कहें मजदूरों को जो लाइन में लगे हुए थे, भाई लोगों का पैसा है तुम जमा करा रहे हो, अब तुम्हारे पास आ गए, इनको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे नाम चिट्ठी लिख देना, ये प्रधानमंत्री का वादा है। एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हमारे एक संबंध है, किसानों के हैं, आड़तियों के हैं, मजदूरों के हैं, लेबर के हैं, इंडस्ट्री वाले से हैं, सामाजिक ताना बाना, रोज वो पैसे लेते हैं, रोज वो देते हैं, वो उनको कोई काम कह देते हैं, वो अपनी सामाजिक सेवा समझ के करते हैं, उनको ये कह देना उनके पैसे न, वो 50,000 उसको मिल भी गए, क्या उसकी उम्र निकल जाएगी उसमें, उसको फिर वहीं पर जाना है, बोले ताना बाना खराब करने वाली इस पार्टी के, ये भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि लिखो वो भी अच्छी थी, जो कह रहे हैं हमारे को ब्लेम करते हैं, पैसे ना देना उनके, कहा तो और भी बहुत कुछ गया था सर, ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है कि आतंकवाद पर कंट्रोल कर लेंगे सर, जम्मू कश्मीर के तो हालात ही बदल जाएंगे नोटबंदी के बाद, अभी तक तो ऐसा कोई असर नजर नहीं आया कम से कम। नोटबंदी को कहा कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग कम हो जाएगा, ये प्रज्यूम कि वो 500 के नोट, क्या वो नोटबंदी के बाद में कुछ कमी आई थी? नहीं आई थी, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कश्मीर को, हम सिर्फ खाली नोटबंदी से, जैसे आपने उस वक्त तो कहा गया सर, जानबाज़ ही बताया गया, कहने को तो प्रज्यूम करता है आदमी की ये डिसीजन। अब जीएसटी की बात कर रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया था, अरे किया था जरूर, लेकिन लगाने की हिम्मत तो तुम्हारे में नहीं चलती, हम ही नहीं कर पाए, ये तो प्लानिंग की बातें हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम इन लोग वाले हमें सिखा रहे हैं, हमें सिखाते हैं, अच्छे आदमी सिखाएंगे, बहुत अच्छे, इनके तो सिस्टम जो से बना है सारा, हमारा सिस्टम बढ़िया है, हमारे खुले दरवाजे हैं, दरवाजे, अगर जनता इंतजार करे सर कि सकारात्मक असर दिखेंगे तो कितना समय लग सकता? देखिए आखिरी जवाब, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि टैक्सेस बढ़े हैं, ठीक है, ये मैं भी इसको देख रहा हूँ, हाँ। स्क्रूटनी चल रही है, इनकम टैक्स वाले चिट्ठियां डाल रहे हैं, ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसका क्या रिजल्ट आया वो नहीं ना डिस्क्राइब हो रहा, वो बताया नहीं जा रहा, हमने कितने बंदे पकड़े, तो कितने पैसे हमने, कितना टैक्स बढ़ा, हमारा सिर्फ क्वेश्चन यही है, अगर हो रहा है तो उसको सामने लाया जाए, मैं बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, मैंने तो बताया था सारे के सारे, नहीं नहीं सरकार ने ये पब्लिकली है, श्वेत पत्र तो जारी ही नहीं किया गया सर, पूरी जानकारी पूरा जो ब्यौरा थे कभी नहीं किया गया, मैं तो बिल्कुल सिंपल कह रहा, बर्बाद एक गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम एक गुलिस्ता क्या होगा, हर हाल हर डाल पे उल्लू बैठा है, बिल्कुल ये जो जितने इनके फैसले हैं वो मतलब इनके जो है ना अमित साहब होते हैं, आप सब मैंने बता दिया ना आपको, तो ये इनकी दास्तान है। सभी का शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, तो नोटबंदी पास रखी या फिर इसको लेकर चर्चा की, फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।